हे गाइस, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू द माय न्यू अनदर ब्लॉग। गाइस, पे मेरा भाई है और दोनों मिलके जा रहे हैं। आज का इस वीडियो में एक ही वीडियो में आपको, मतलब मेरे को भी पता नहीं है कौन सी जगह में आज हम जाने वाले हैं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम निकल रहा हूँ। मेरा भाई का यहाँ पे बहुत दिन हो गया, तो वो लेके जा रहा है, मेरे को गाइड कर रहा है। सो अभी दुबई मॉल का बात हुआ है, दुबई मॉल, एंड तो यहाँ का नज़ारा भी आपको दिखा देता हूँ। हम पीछे यहाँ पे रहते हैं गाइस, ये पीछे बिल्डिंग देख सकते हो, हम यहाँ पे रहते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। अभी बज रहे हैं साढ़े चार बज चुका है यहाँ पे, तो इंडिया में कितना बज रहा होगा, डेढ़ घंटे का फर्क है ना भाई, छः बज रहा है। तो गाइस अभी छः बज रहा है इंडिया में, तो इंडिया का अगर मैं इंडिया से ब्लॉग शूट करता तो वहाँ पे गुड इवनिंग का टाइम होता, सो अभी तो यहाँ पे गुड आफ्टरनून का टाइम है। सो वीडियो को एंड तक देखना, और चैनल में नए हो तो तुम्हारे भाई को थोड़ा सपोर्ट कर देना, और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर देना तुम्हारे भाई को। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो वो बिल्डिंग जो आप देख रहे हो, बड़ा सा, मतलब बीच से पूरा खाली है, तो मरीना बीच है वो, तो आपने काफ़ी सारा स्टेटस में आपने देखा होगा दुबई में, मतलब वो फेमस जगह है। काफ़ी टाइम मिले तो उधर भी जाके आपको वीडियो दिखा दूंगा, मतलब नेक्स्ट ब्लॉग तो अपना वहाँ का ही आने वाला है, एंड दुबई मॉल भी आपको इस एक ही ब्लॉग में देखने को मिल जाएगा, जो कि आज हम बहुत ही जल्दी निकले, 4:30 बजे निकले। तो चलो यहाँ से हमको पहले जाना पड़ेगा मेट्रो स्टेशन, जो कि मेट्रो स्टेशन इस तरफ है। पहला वाला ब्लॉग में आपने देखा होगा मेट्रो स्टेशन मैंने दिखाया है, सो पहला वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो जाके फटाक से चैनल में जाके देख लो, एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना गाइस, सपोर्ट करना। सो हम पहुंच चुके हैं जवेल अली मेट्रो स्टेशन में, तो ये हमारा यहाँ का मेट्रो स्टेशन है, आप देख सकते हो, एंड हम वहाँ से चल के आए, वो बिल्डिंग देख सकते हो, वहाँ से हम चल के सो यहाँ पे आए, तकरीबन एक किलोमीटर होगा गाइस वहाँ से। तो हमको पहले मेट्रो में रिचार्ज भी कराना पड़ेगा भाई, रिचार्ज नहीं है हमारा मेट्रो में। सो एक बार हमारा रिचार्ज था है, तो हमने एक बार यूज़ कर लिया है उसे, तो हमें मेट्रो में रिचार्ज भी कराना पड़ेगा कार्ड में, जो कि यहाँ पे कार्ड यूज़ होता है गाइज, यहाँ पे कोई बंदा नहीं हुआ है जो आपको टिकट लेना पड़ेगा इंडिया के जैसा। तो चलो वो भी प्रोसेस देखने का। मैंने पहले सोचा था ये मेट्रो स्टेशन है, तो मेरा भाई ने अभी बताया ये मेट्रो स्टेशन नहीं है, यहाँ का पार्किंग है, तो यहाँ का मतलब पार्किंग देख सकते हो आप, एंड इधर है मेट्रो स्टेशन, ये मेट्रो स्टेशन है, एंड ये है पार्किंग, तो पार्किंग देखो भाई साहब, एंड ये है कार्ड, देख सकते हो आप, मतलब ये है मेट्रो स्टेशन का यहाँ का कार्ड, इसको आपको टॉप अप कराना पड़ता है। चलो बुर्ज खलीफा का जो मेट्रो स्टेशन है, मेरे पीछे देख सकते हो, ये बुर्ज खलीफा का मेट्रो स्टेशन है, मेट्रो स्टेशन का नाम ही बुर्ज खलीफा है, तो आज भीड़ भी बहुत ही ज़्यादा है। तो चलो तो यहाँ से हमको जाना पड़ेगा, मतलब पैदल ही, काफ़ी मज़ा आया मेट्रो। तो कितने स्टेशन होगा हमारे वहाँ से, ये 7-8 स्टेशन रोलिंग है जो चल रहा है, तो यहाँ पे चलना भी नहीं पड़ेगा, लेकिन हम चल रहे हैं, इस हमारे पास टाइम बहुत ही शॉर्ट है, तो हमको मेट्रो में बैठे हुए तकरीबन 45 मिनट्स हो गए, तो ये देख सकते हो। तो अभी जा रहे हैं हम दुबई मॉल, तो सबसे पहले मतलब वर्ल्ड के सबसे बड़ा मॉल, वर्ल्ड का मतलब सबसे बड़ा मॉल है दुबई मॉल, तो अभी हम जा रहे हैं दुबई मॉल में। ओ बाबा, ये तो हो जाएगा भाई, इसमें
चलना ही पड़ेगा भाई, ये जो रेलिंग है ये चल रहा है गाइस, तो ये बहुत ही स्लो है, और इससे अच्छा तो हम पैदल जाते तो बस इससे जल्दी पहुंच जाएंगे। चलो यहाँ का नज़ारा देख लो, कुछ इस तरीके का है। तो ये बिल्डिंग आप देख सकते हो, ये है बुर्ज खलीफा। तो वीडियो को एंड तक देखो, बहुत ही मजा आने वाला है वीडियो में। और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस प्लीज, तुम्हारा भाई को थोड़ा सपोर्ट करना। तो चलो तो गाइस हम अभी एंट्री ले रहे हैं दुबई मॉल में। ये देखिए गाइस दुबई मॉल, एंड हम अभी अंदर आ चुके हैं। तो ये पूरा ही दुबई मॉल है। काफी ज्यादा मजा आ रहा है यहाँ पे। तो 15 मिनट हो गया हमको मतलब दुबई मॉल के अंदर, तो अभी भी हम ढूंढ रहे हैं, मतलब यहाँ पे इतना बड़ा मॉल है, तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा मॉल है, वर्ल्ड का पूरा दुनिया में सबसे बड़ा मॉल है, आप सोच सकते हो कितना बड़ा मॉल होगा ये। तो यहाँ पे नीचे का कुछ व्यू देख सकते हो आप, नीचे भी जाके आपको वीडियो करके दिखा दूंगा। तो गाइस यहाँ पे मेरे पीछे जो कि ग्लास है देख सकते हो आप, पूरा चेंजिंग ग्लास है, और काफी ज्यादा मजा आ रहा है हमें। तो तकरीबन 40 मिनट से ऊपर होने आया हमको दुबई मॉल के अंदर। यहाँ का नीचे का व्यू आपको दिखा देता हूँ गाइस। तो यहाँ पे कुछ मतलब बारिश का झरना टाइप का दिया गया है, आप देख सकते हो, ये बिल्कुल मॉल के बीचों बीच दिया गया है, काफी बढ़िया लग रहा है गाइस, देख सकते हो आप। एंड यहाँ पे कुछ टॉय टाइप का दिया गया है जो कि इसमें स्विमिंग करता हुआ दिख रहा है। तो गाइस हम अभी है दुबई मॉल के अंदर थर्ड फ्लोर में, जो कि यहाँ से सेकंड फ्लोर है, तो सेकंड फ्लोर का भी आपको वीडियो दिखा दूंगा। तो सेकंड फ्लोर में अभी हम जाने वाले हैं, तो अभी हम है थर्ड फ्लोर पे। Hey man, this side. Come here.
This side, come here, man. मॉल के पूरा बीचों बीच यहाँ पे कुछ लाइटिंग का सीन दिया हुआ है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है गाइस यहाँ का लाइटिंग जो की है। तो गाइस यहाँ पे थर्ड फ्लोर में जो कि आपको खाली परफ्यूम का दुकान देखने को मिलेगा, ये देख सकते हो, मतलब परफ्यूम का दुकान का साइड में ही परफ्यूम का दुकान मिलेगा यहाँ पे। तो हमको नीचे जाना पड़ेगा, तो नीचे का सीढ़ी ढूंढना पड़ेगा कहाँ पे है गाइस। मैंने सोचा था ये सीढ़ी नीचे जाता होगा लेकिन ये ऊपर आ रहा है गाइस। एंड ये रहा थर्ड फ्लोर और हम अभी जा रहे हैं सेकंड फ्लोर में। एंड यहाँ का लाइटिंग का जो कि काम देख सकते हो आप गाइस। एंड यहाँ पे डेकोरेट किया गया है, कुछ बटरफ्लाई टाइप कागज़ का बनाया हुआ है, तो ये डिज़ाइन भी देख सकते हो आप, काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब बढ़िया लग रहा है। एंड ये अंकल जो कि ये कुछ इस तरीके का गाड़ी लेके घूम रहा है। तो गाइस इतना बड़ा मॉल है, मतलब आप घूम के थक जाओगे, इसीलिए इसको कहा गया है वर्ल्ड का सबसे बड़ा मॉल, दुबई मॉल। तो यहाँ पे देख सकते हो आप गाइस कुछ 3D मॉडल का यहाँ पे कुछ नज़ारा दिया गया है। एंड यहाँ पे पूरा दुबई का जो कि है नज़ारा दिया गया है, और यहाँ पे बुर्ज खलीफा जो कि है मॉडल, खाली मॉडल बनाया हुआ है, तो देख सकते हो काफ़ी बढ़िया लग रहा है गाइस। तो ये पूरा 3D में दिख रहा है गाइस दुबई, मतलब जो कि पूरा दुबई है उसको एक्सप्लोर किया गया है यहाँ पे।
One minute, bro. This. Look this. Yes. Sark. तो गाइज हम पहुंच चुके हैं हमारे यहाँ पे मेट्रो स्टेशन में। मैं इतना देर से मतलब वीडियो नहीं बना पाया जो कि मैं बहुत ही थक चुका था। तू कैसा थका? बहुत ही थक चुका हूँ गाइज, इसके लिए मैं वीडियो नहीं बना पाया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है फिर किसी दिन फिर किसी ब्लॉग में। तब तक के लिए बढ़िया रहो गाइज। तो चलो, अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइज सब्सक्राइब कर लीजिए। इसको लेके मैं तीसरा या चौथी बार बोल रहा हूँ गाइज, हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और तुम्हारे भाई को थोड़ा सपोर्ट करना। तो चलो चलते हैं।